शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह आज बीएसएफ के आला अधिकारियों व कार्मिकों को सम्मानित किया। वीरों को भी बुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो, बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। आज यहां मैं आया हूं तो स्वर्गस्थ रुस्तम जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे बल की शुरुआत करी जिसने अपने पसीने से, अपनी निष्ठा से, मेहनत से, सजगता से और बलिदान से एक महान कीर्ति स्तंभ की रचना करी है जो देश की सुरक्षा के लिए दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। ऐसा महान कीर्ति स्तंभ बीएसएफ ने बनाया है, वो हम सब के लिए गौरव की बात। 65 की लड़ाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्र की राज्यों की 25 बटालियनों के साथ, सिर्फ 25 बटालियन, ना पीछे कोई बड़ी परंपरा थी ना बड़े संसाधन थे, मगर हौसले बुलंद थे। एक बीज के रूप में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई, वो बीज आज वटवृक्ष बनकर लगभग 3.25 करोड़ लोगों का परिवार बनकर देश को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। रुस्तम जी के हाथों से जो शुरुआत हुई वो शुरुआत आज हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित कराने वाली गति से उसने अपनी परंपराएं भी स्थापित करी है और जीवन पर्यंत कर्तव्य का नारा को सार्थक करते हुए एक उच्च बलिदान की परंपरा को भी स्थापित किया है। अपने लखनऊ दौरे के